आप इंग्लिश का टीचर फ्रेंड फिलोसफर और गाइड। जय हिंद सबको। क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा आपको पता है कि हर दिन क्लास को हम लोग 3 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो प्रीवियस क्लासेस में आपको पढ़ाई जा चुकी है। तो फटाफट क्वेश्चन की तैयारी कर लें, क्वेश्चन का जवाब दे लें, रिवाइज करके आए हैं सब। सबके पास रिविजन है, सबको गुड इवनिंग, साथ साथ जय हिंद। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, I want to meet the Mohan in your office, not Mohan in my office. A, B, C और कोई एरर नहीं दिख रहा है तो नो एरर डी। सेकेंड क्वेश्चन, आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर। प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एडवर्ब, नन ऑफ दिस। थर्ड क्वेश्चन को देखिए कि थर्ड क्वेश्चन क्या मैंने ऐसा पहले पूछा है। अगर थर्ड क्वेश्चन मैंने पहले पूछा होगा तो मुझे बता दीजिएगा कि पूछ रखा है पहले। आर्यभट्ट, ये क्वेश्चन मैंने पूछा है क्या पहले? आर्यभट्ट इज कॉल्ड न्यूटन ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन मैंने पूछा है क्या? आर्यभट्ट इज कॉल्ड न्यूटन ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन मैंने पहले पूछ रखा है क्या? ये क्वेश्चन मैंने पूछा है पहले। आर्यभट्ट इज कॉल्ड न्यूटन ऑफ इंडिया, ए बी सी नोर तो डी। फटाफट बताएं, 3 क्वेश्चंस आपको एवरीडे जो टॉपिक्स पढ़ाया जाएगा उससे आपको करना ही करना है। अभी इसलिए मैंने क्या रखा है कि जब भी मैं क्लास करने आता हूं तो ये आप क्लास करने के लिए आते हैं, तो क्लास करने से पहले जो टॉपिक क्लास में पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करके आए, ठीक है? ऐसा नहीं कि ऑनलाइन क्लास है तो बिना पढ़े हुए चले आए, तो ऐसे क्या होगा। और ये कोशिश हमेशा करनी है कि ये 3 क्वेश्चन जो मैं पूछूं ये आप परफेक्टली करेक्ट आंसर करें, 3 के 3 सही आंसर करें, एकदम ये हमेशा प्रयास होना चाहिए। और हो सकता है ऐसा भी होगा, ये जो 3 क्वेश्चंस मैं एवरीडे करा रहा हूँ इसमें से कोई क्वेश्चन आपको हूबहू एग्जाम में आ जाए, एकदम ये भी पॉसिबल है। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इसमें से ही कोई क्वेश्चन एग्जाम में हूबहू आ जाए, मैं यही कह रहा हूँ कि सिमिलरली आ जाए, जैसे मैं लिखवा रहा हूँ वैसे ही आ जाए, ये बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा है। जवाब आ रहा है 1 का B, 3 का B, नाम पढ़ लूं मैं क्या क्या है, किसका किसका जवाब है? करण सिंह, अंकित, अंकित, ममता, ममता, और ममता सहारण। ओके, ठीक है। तो अब एक्सप्लेनेशन के साथ देखते हैं कि इसमें क्या आंसर होगा, एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ। I want to meet the Mohan in your office, not Mohan in my office. अब पिछली क्लास में जो रूल पढ़ा उसके इसमें क्या करते हैं, कुछ बच्चे जो हैं 1 में B कर देते हैं, ऐसा किया है क्या? 1 में B कर दिया, ओके कर दिया है, 1 में B किया है, 1 में B किया है। और इनका आंसर नहीं दिख रहा है मुझे कि अंकित का कि 1 में क्या किया है,
वन का बी, अंकित ने वन का सी, करण सिंह ने वन का सी किया, ओके, थ्री का डी, ओके ओके। तो कभी कभी क्या है आपके जवाब को ऊपर नीचे स्क्रीन को रोल करके देखना पड़ता है कि भाई आपने किसका किसका जवाब कहा है। तो एक फर्स्ट का क्वेश्चन का तो कुछ लोगों का जवाब सही है, कुछ लोगों का गलत है, यही करते हैं कुछ लोग ये करते हैं, उसमें फर्स्ट में कुछ लोग बी करके आते हैं, कुछ लोग सी करके आते हैं। अभी भी ऐसा ही जवाब, फर्स्ट का कुछ का जवाब बी है, कुछ का जवाब सी है, अभी भी ऐसा ही। तो आई वॉन्ट टू मीट द मोहन इन योर ऑफिस, नॉट मोहन इन माई ऑफिस। तो बी में इसमें गलती नहीं है, क्योंकि कल ही आपको बताया था कि राम ऑफ द रामायण अगर लिखते हैं तो राम के पहले द लगाते हैं, ठीक है, बताया था पर्टिकुलर बनाने के लिए। यहाँ मोहन को तो पर्टिकुलर कर रहे हैं कि एस वो मोहन जो तुम्हारे ऑफिस में, इसका मतलब कई मोहन हो सकते हैं, जो एक मोहन मेरे ऑफिस में हो सकता है, एक मेरे ऑफिस घर में हो सकता है, एक आपके ऑफिस में हो सकता है, इस तरह से कई मोहन हो सकता है। तो उसमें से हम सिर्फ उस मोहन की बात कर रहे हैं जो मोहन उसके ऑफिस में है, तो पर्टिकुलर हो गया, तो यहाँ तो बिल्कुल द होना चाहिए, ये तो द बिल्कुल सही है। अब इस तरह से नॉट मोहन इन माई ऑफिस, कि मेरे मोहन मेरे ऑफिस में जो मोहन है हम उसकी बात नहीं कर रहे, मेरे ऑफिस में जो मोहन है हम उसकी बात नहीं कर रहे। तो जब मेरे ऑफिस में जो मोहन है हम उसकी बात नहीं कर रहे, मेरे ऑफिस में जो मोहन है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर वन हमने कहा मेरे ऑफिस में जो मोहन है वो, तुम्हारे ऑफिस में जो मोहन है वो, तुम्हारे मोहल्ले में जो मोहन है वो। तो ऐसे करने से मोहन पर्टिकुलर हो जाना, तुम्हारा ऑफिस लिख देने से मेरा ऑफिस हो रही है, जैसे इन योर ऑफिस लिखने से ये मोहन पर्टिकुलर हुआ, उसी तरह से इन माय ऑफिस लिखने से ये मोहन पर्टिकुलर होगा। ये मोहन पर्टिकुलर होगा तो इसके पहले भी क्या चाहिए, द चाहिए, यानी गलती किस पार्ट में, सी पार्ट में है, गलती किस पार्ट में थी, सी पार्ट में है, ओके। दूसरे में क्या कह रहे कि आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, कि मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। ये जो बिफोर है, ये बिफोर क्या पूछ रहा, ये क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा, यानी पहले क्या है, देखने का टाइम है, देखने का टाइम ही तो बता रहे हैं। और जब वर्ब के विषय में कोई इन्फॉर्मेशन होता है, काम क्यों हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, वर्ब के विषय में कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो उसको हम लोग कहते हैं एडवर्ब कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, एडवर्ब। तो ये बिफोर क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, यानी सी करके आना चाहिए। टू का बिल्कुल जवाब सबका सही है, लगभग सबका टू का जवाब जो है परफेक्टली, यानी थ्री का, टू का डी भी दे रखा है, टू का किसी ने डी भी जवाब दे रखा है, टू का जब डी डी जवाब दिया है, नन ऑफ दीज, ये तो गलत हो गया, कुछ ने टू का डी भी जवाब, जब टू का बी सी जवाब होगा एडवर्ब। और थ्री का क्या होना है, थ्री का होना है बी, थ्री का तो बी लगभग सबने कर रखा है, थ्री का बी। तो आर्यभट्ट इज कॉल्ड द न्यूटन ऑफ इंडिया, यानी न्यूटन की तुलना जो हम आर्यभट्ट से कर रहे हैं, न्यूटन की तुलना जो हम लोग आर्यभट्ट से कर रहे हैं, और न्यूटन की तुलना करने के लिए भारत में आर्यभट्ट के अलावा कोई दूसरा नहीं है, न्यूटन से तुलना करने के लिए भारत में आर्यभट्ट के अलावा कोई नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं द न्यूटन ऑफ इंडिया। अगर कंपेयर करने के लिए एक ही व्यक्ति हो, एक से अधिक व्यक्ति हो ही नहीं, एक से अधिक वस्तु हो ही नहीं, जगह हो ही नहीं, ऐसे कंडीशन में क्या यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। ये थ्री क्वेश्चन हमेशा आप ध्यान रखें डेली डेली, इससे एकदम आपका दिमाग तेज रहेगा और हर चीज को रिवाइज करके आते रहेंगे। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के विषय में मैंने कुछ बातें आपको बताई, उसको मैं फिर से बता देता हूं। कॉमन नाउन के विषय में मैंने बताया कि कोई भी ऐसा नाम जो एक ग्रुप के किसी भी पर्सन को कह सकते हैं, किसी भी पर्सन को कह सकते हैं, किसी भी थिंग को कह सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कॉमन नाउन। एक ग्रुप का मार्कर है तो किसी भी मार्कर को कह दिया, स्टूडेंट है तो किसी भी स्टूडेंट को कहते हैं, ये हुआ कॉमन नाउन। अब हमने बताया कॉमन नाउन का इस्तेमाल अगर हम सबके लिए कर रहे हैं, इन जनरल जैसे हम कहते हैं कुत्ते भौंकते हैं, या गाय घास खाती है, या लड़के बदमाश होते हैं, या लड़कियां शर्मीली होती हैं, छात्र मेहनती होते हैं, किसान परिश्रमी होते हैं, तो इन सब में जो हम बात कर रहे हैं जनरली, इन सब में हम ऐसी बात कर रहे हैं कि जनरल सामान्य सब की बात कर रहे हैं। और आपको ग्रामर ये कहता है कि अगर आप सब की बात कर रहे हैं, सामान्य बात कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए आपको, तो आपको करना चाहिए कि उसके साथ आर्टिकल लगाना चाहिए, नाउन को सिंगुलर रखना चाहिए, आर्टिकल लगाना चाहिए, नाउन को सिंगुलर रखना चाहिए, और वर्ब को भी सिंगुलर रखना चाहिए, आर्टिकल को सिंगुलर रखना चाहिए,
नाउन को सिंगुलर रखना चाहिए और वर्ब को भी सिंगुलर रखना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल को सिंगुलर रखना चाहिए, आर्टिकल लगाना चाहिए, नाउन को सिंगुलर रखना चाहिए, वर्ब को सिंगुलर रखना चाहिए। ये बात हो गई, ठीक है। जैसे हमको कहना है शेर मांसाहारी होते हैं, हमें कहना है ये आया हुआ सेंटेंस ही है, शेर मांसाहारी होता है, और हमने लिख दिया लायन इज कार्निवोरस। कार्निवोरस वर्ड भी वन वर्ड ऑप्शन में कभी भी आ जाता है, लायन इज कार्निवोरस। अब ये दे दिया कॉमन एरर में, तो कुछ बच्चे तो क्या करके आ जाते हैं, बी में कर जाते हैं, बी में एरर करके आ जाते हैं। उनको लगता है कि अरे सारे लायन की बात हो रही है, तो सारे लायन की बात हो रही है, सारे लायन ही कार्निवोरस होते हैं, एक से अधिक लायन की बात हो गई, चलो यहाँ इसको आर कर दो, ऐसा करके आ जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं ये क्वेश्चन आने पर, ऐसे क्वेश्चन आने पर, और आप भी शायद यही करते, अगर रूल नहीं पता होता तो इसी इज को आर करके आ जाते, क्योंकि आपके दिमाग में भी शायद ऐसा आ सकता था शायद, अरे यहाँ तो सारे लायन की बात हो रही है, सारे लायन ही कार्निवोरस होते हैं, तो इसमें तो आर होना चाहिए, आ सकता था। तो कार्निवोरस का मतलब होता है मांस खाने वाला, फ्लैश ईटिंग, ये वन वर्ड सबसे में पूछता रहता है, फ्लैश ईटिंग, फ्लैश का मतलब क्या होता है मांस, तो मांस खाने वाले को क्या कहते हैं कार्निवोरस। इसका मतलब ये सीधा, ये जो वोर वर्ड लगा है, वोर वर्ड अगर कहीं पे लग जाता तो वोर का मतलब खाने वाला ही होता है। अब चाहे हर्निवोर कहे चाहे कार्निवोर कहे, तो कुछ ना कुछ खाने वाला होता है, तो कार्निवोरस होता है, फ्लैश खाने वाला हो गया, मांस खाने वाला हो गया। तब जो कल जो रूल पढ़ा उसके हिसाब से इसमें क्या होना चाहिए, या तो होना चाहिए ए लायन इज कार्निवोरस, या फिर होना चाहिए द लायन इज कार्निवोरस। क्लियर है, समझ में आ गई बात, तो ये अब दिमाग में बिठा के रखना है, और इससे अब इस आज की क्लास मैंने प्रॉपर नाउन, ये कॉमन नाउन से क्वेश्चन नहीं पूछा था, लेकिन अब जब नेक्स्ट क्लास होगा, क्योंकि आज हम लोग कॉमन नाउन के रूल्स पढ़ने जा रहे हैं, जब नेक्स्ट क्लास होगा उसमें कॉमन नाउन के जो क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर के, ये मैं पूछने वाला हूँ। आज मैं कुछ एग्जाम्पल मैं आज भी दिखाऊंगा। ये एक रूल हुआ। अब जरा हिंदी गौर कीजिए, हिंदी में दो तरह से बात करते हैं। आपने कहा लड़का बदमाश होता है और लड़के बदमाश होते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। लड़का बदमाश होता है, इसका मतलब भी यही निकाला जाएगा कि दुनिया में जो भी लड़का है, जितने भी लड़के हैं, सब बदमाश होते हैं। जनरली हमने कहा लड़के बदमाश होते हैं, इसका मतलब ये निकाला जाता है कि ये लड़कों के विषय में जनरल बात है कि लड़के हैं तो बदमाश होते हैं। क्या हमने कहा लड़कियां शर्मिली होती है, अब दो चार ना होती हो अलग बात है, लेकिन लड़कियां शर्मिली होती हैं, ये कहने का मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि जनरली अगर कोई लड़की है तो शर्मिली होगी। इसको हम सिंगुलर में भी कह सकते हैं लड़की शर्मिली होती है। यानी हिंदी में ऑल की बात करने के लिए दो तरीके हैं, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। हिंदी में जब हम सब की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरीका है, एक सिंगुलर तरीका है और एक प्लूरल तरीका है। सिंगुलर तरीका क्या हुआ कि हमने कहा लड़की शर्मिली होती है, लड़का बदमाश होता है, बच्चा तो शरारती ही होता है, गाय घास खाती है, शेर मांसाहारी होता है, ये सब सिंगुलर बोलने का तरीका हुआ। और सेम यही मीनिंग हम ऐसे भी कह सकते हैं कि लड़के बदमाश होते हैं, लड़कियां शर्मिली होती है, बच्चे शरारती होते हैं, शेर मांसाहारी होते हैं, गाय घास खाती हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे भी पॉसिबल है। इसका मतलब जब हम जनरल बात करते हैं, ऑल की बात करते हैं, तो हिंदी में दो तरीका है, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। अब सवाल ये उठेगा, या ये सवाल है, क्या इंग्लिश में ऑल की बात करने का एक ही तरीका है कि भाई आर्टिकल लगा दो ए एन दी, नाउन को सिंगुलर रख लो और वर्ब को सिंगुलर रख लो, क्या यही एक तरीका है कि आर्टिकल लगाओ, नाउन को भी सिंगुलर रखो, वर्ब को, यही एक तरीका है ऑल की बात करने, या कोई दूसरा तरीका भी है? तो इंग्लिश भी कहता है कि इंग्लिश में दूसरा तरीका भी है, सेकेंड रूल भी है, जिसको हम लोग कहेंगे सेकेंड गोल्डन रूल्स। फाइव मैंने कहा था, उसमें सेकेंड रूल है कि सेकेंड रूल कहता है कि ए कॉमन नाउन कैन ऑल्सो बी मेड प्लूरल टू to all the verb is plural articles are
नॉट यूज्ड, सारी बातें मैं साफ साफ कर देता हूं ताकि पढ़ते वक्त रिवाइज करते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम ही ना, इसे सारी बात मैं एकदम क्लियर क्लियर रख देता हूं ताकि आप कोई क्वेश्चन बाद में हुई ना, और जब क्वेश्चन हो तो आपके बुक में ही लिखा हो, यानी आपकी नोटबुक में सारे आंसर लिखा हुआ हो एकदम ऐसा। तो पहले लिखिए इसको, मैं पढ़ देता हूं। A common noun can also be made plural, can also be made plural to show all, full stop. The verb is plural. Articles are not used. A common noun can also be made plural to show all. The verb is plural. Articles are not used. अब इसको हिंदी में भी लिख लीजिए कि कॉमन नाउन को प्लूरल भी किया जा सकता है, कॉमन नाउन को प्लूरल भी किया जा सकता है सभी को बताने के लिए, सभी को दिखाना दिखाने के लिए। ये दूसरा रूल कहता है कि सिर्फ ये नहीं कि आर्टिकल लगाओ, नाउन को सिंगुलर रखो, वर्ब को सिंगुलर रखो। ग्रामर का दूसरा रूल कहता है कि आप कॉमन नाउन को प्लूरल भी कर सकते हैं अगर आप सबकी बात करना चाहते हैं, आप सबको दिखाना चाहते हैं, यानी सबकी, जैसे हिंदी में दो तरीके वैसे इंग्लिश में भी दो तरीके। अब ये नहीं इसमें डाउट करना होता है कि इसमें दोनों सही तरीका कौन सा है, जो जैसे हिंदी में दोनों तरीके सही है। हिंदी में अगर आपको आएगा एरर ढूंढने के लड़का बदमाश होता है उसको भी आप नो एरर करके आइएगा, अगर आपको आ जाएगा लड़के बदमाश होते हैं उसमें भी नो एरर करके आइएगा। तो जैसे हिंदी में अगर दो तरीका तो दोनों सही है, उसमें सही गलत का मतलब नहीं होता है। हिंदी में नहीं पूछा दोनों में से अच्छा तरीका कौन है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए इंग्लिश में भी अगर किसी चीज को कहने का दो तरीका होगा तो जनरली उसमें लोग क्या करने रखते हैं, स्टूडेंट ये दोनों में से बेहतर तरीका क्या है, तो ऐसा नहीं होता है। बेहतर तरीका भी, अगर एक ही बात को दो तरीके से कहा जा रहा है तो दोनों में से कोई तरीका अगर एग्जाम में आएगा तो आपको नो एरर करके आना है, ये बात ध्यान रखिए। और जहां सही गलत की बात होती है वह तो बता ही दिया जाएगा कि ये सही है ये गलत है, लेकिन अगर कभी भी मैं ऐसी बात बताऊं कि इसको ऐसे भी कहते हैं, इसको ऐसे भी कहते हैं, इसके दो तरीके, तो समझ जाइए उसमें से कोई भी आएगा तो एग्जाम में नो एरर करके आना है, ये दिमाग में बिठानी है बात। तो क्या कह रहा है, कॉमन नाउन कैन ऑल्सो बी मेड प्लूरल टू शो ऑल, कि कॉमन नाउन को हम प्लूरल भी बना सकते हैं, इसलिए कि ऑल्सो का इस्तेमाल किया, भी बना सकते हैं। इससे पहले एक रूल और है, ये दूसरा रूल है उसी बात को कहने का, इसलिए हमने कहा कि इसको प्लूरल भी बना सकते हैं टू शो ऑल, सबकी बात करने के लिए। हम अगर किसी कॉमन नाउन से सबकी बात करना चाहते हैं तो हम उसे प्लूरल भी बना सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, द वर्ब इज प्लूरल। अगर आपने नाउन को प्लूरल बना दिया तो आप वर्ब भी प्लूरल इस्तेमाल कर सकते हैं, नाउन को भी इस्तेमाल कर लीजिए प्लूरल, तो फिर वर्ब को भी प्लूरल इस्तेमाल, द वर्ब इज प्लूरल, फिर वर्ब भी प्लूरल होगा। अब वर्ब प्लूरल होगा इसका मतलब क्या है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, या फिर क्या होगा आर होगा, वर्ब होगा। आर और वर्ब क्या बताया था, हैव, तो आर वर्ब और हैव प्लूरल होता है। इज वॉज क्या होता है, सिंगुलर होता है। और वर्ब का अगर फर्स्ट फॉर्म हो, वर्ब में अगर एस और एस नहीं लगा तो वर्ब क्या होता है, प्लूरल है। और वर्ब में अगर एस और एस लग गया तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। इतनी बात बता दी थी पहले, इसलिए बार बार पहले ही वर्ब के विषय में बेसिक बात बताया कि वर्ब सिंगुलर क्या होता है, वर्ब प्लूरल क्या होता है। क्योंकि जहां नाउन आएगा तो फिर नाउन के हिसाब से वर्ब आएगा, तो फिर नाउन को पता करना भी जरूरी है कि नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है। और वर्ब का भी पता होना चाहिए, कम से कम सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है ये पता होना चाहिए। फिर कह रहा है कि आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड। अब यहां गौर कीजिए कि किसी कॉमन नाउन को सब बताने के लिए, ऑल बताने के लिए जब प्लूरल बनाया जाता है तो इस कंडीशन में आर्टिकल नहीं लगता, और जब आर्टिकल लगा के सब बताते हैं तो फिर नाउन प्लूरल नहीं होता। गौर से देखिए, समझने की बात है, बात एक ही है लेकिन तरीका दो है। अगर किसी कॉमन नाउन से हमको सब की बात करनी और हम आर्टिकल लगाना चाहते हैं तो लगाइए, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन नाउन को भी सिंगुलर रखिए, वर्ब को भी सिंगुलर रखिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम सब की बात कर रहे हैं, हम प्लूरल ही बात करें, तो ये भी आपको अलाउ किया जा रहा है। फिर ऐसे कंडीशन में कह रहा है कि नाउन को भी प्लूरल करो और वर्ब को भी प्लूरल, सिर्फ एक चीज को प्लूरल नहीं करना कि वर्ब को प्लूरल कर दिया कहानी खत्म कर रहा है, कि नाउन को भी प्लूरल करो वर्ब को भी प्लूरल करो, लेकिन फिर आर्टिकल को छोड़ दो, समझ में आ रही बात। आर्टिकल लगा के अगर सब की बात करनी है तो आर्टिकल भी लगाना है, नाउन को सिंगुलर भी रखना है, वर्ब को भी सिंगुलर रखना है। अगर आपको सब की बात करनी है और नाउन को प्लूरल बना के बात करना है तो फिर आर्टिकल नहीं लगाना है, नाउन को प्लूरल कर लीजिए, वर्ब को प्लूरल कर लीजिए, इतनी बात है। जैसे हमको कहना था कि शेर मांसाहारी होते हैं, शेर मांसाहारी होते हैं, तो आप ये भी तरीका लिख लीजिए कि लायंस आर कार्निवोरस। तो इंग्लिश कह रहा है कि हमारे पास तीन तरीके हो गए,
एक तो ये तरीका हो गया कि नाउन को प्लुरल कर दिया, वर्ब को प्लुरल कर दिया और लिख दिया, तो सही है, ये भी सही, ये भी सही, एक तरीका ये हुआ। और दूसरा तरीका हुआ, अगर ये नहीं पसंद है तो हम क्या लगाएं, ए लगाएं या द लगाएं, ए लगाएं या द लगाएं, फिर नाउन को क्या रखें, सिंगुलर रखें, इज कार्निवोरस। तो जैसे हम कहते हैं हिंदी में कि शेर मांसाहारी होता है, वो भी सही है, और शेर मांसाहारी होते हैं वो भी सही है। इसी तरह से इंग्लिश में अगर हम कह रहे हैं ए लॉयन इज कार्निवोरस, ये भी सही है, द लॉयन इज कार्निवोरस कह रहे हैं, ये भी सही है, लॉयंस आर कार्निवोरस कह रहे हैं, ये भी सही है। लेकिन अगर हम सिंपली कह दें लॉयन इज कार्निवोरस तो वो गलत है, लॉयन इज कार्निवोरस। यही कल मैंने स्टार्टिंग में आपको शुरू में एक लाइन में बताया था। इस दोनों रूल से क्या पता चला कि अगर कोई कॉमन नाउन का इस्तेमाल हम कर रहे हैं तो या तो इसके पहले ए और एन दे और दी होना चाहिए। यही बात मैंने शॉर्ट में बताया था, दोनों रूल का ये शॉर्ट था, राज था, कि कोई भी अगर कॉमन नाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो या तो उसके पहले कोई आर्टिकल चाहिए जैसे इसमें है, या अगर मान लो आर्टिकल नहीं आया, इसमें आर्टिकल का नहीं यूज हुआ तो इसमें क्या लगाया, एस और यस। यही तो मैंने कहा था कि आपको क्या करेगा एग्जाम में कि कोई भी कॉमन नाउन इस्तेमाल करेगा, हो सकता है सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल कर दे, हो सकता है सेंटेंस के बीच में इस्तेमाल कर दे, हो सकता है सेंटेंस के लास्ट में इस्तेमाल कर दे, और उस कॉमन नाउन में ना तो ए लगाएगा, ना एन लगाएगा, ना द लगाएगा और ना ही एस और यस लगाएगा। तो हो गई गलती, तो हो गई गलती, उसकी कोई माफी नहीं है, उसकी कोई माफी नहीं होगा, यह ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया सबको, किसी कोई डाउट, किसी कोई डाउट, दोनों रूल क्लियर हो गया। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, या पहले जो सेंटेंस हमने बनाया था, जैसे हमको कहना है कुत्ता भौंकता है, तो हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो कह लें ए या द, डॉग बार्क्स, ये कहने का तरीका हो गया, और दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, हम क्या कह सकते हैं, डॉग्स बार्क, लेकिन किसी भी कीमत पे नहीं कह सकते हैं कि डॉग बॉक्स, ये नहीं कह सकते, ये सरासर गलत है, ये कह लीजिए, ये कह लीजिए, ठीक है। हमने कहा कि गाय घास खाती है, तो हम या तो लिख सकते हैं ए और द काउ ईट्स ग्रास, या तो ये तरीका हुआ हमारा सही, या हमारा दूसरा तरीका क्या है, कॉज ईट ग्रास, ये हो सकता है। लेकिन ये लिख दें कि काउ ईट या ईट्स ग्रास, तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा कि आप काउ का इस्तेमाल करें और काउ के साथ ना तो एन लगाए, ना काउ के साथ द लगाए, ना एस लगाए, कुछ ना लगाए। तो ये बात दिमाग में एकदम बिठा देना है, बैठता नहीं है, बैठता नहीं है दिमाग में, ये बात ध्यान रखिएगा। अभी मैं देखिएगा, इससे मैं कॉमन एरर पूछूंगा, मैं देखूंगा, टेस्ट ही होगा, इसीलिए कि आपको ये दिमाग, ये बात आपके दिमाग में कितना बैठा है, और कॉमन नाउन के ऐसे मिस्टेक, अभी मैं बता रहा हूं कि सिर्फ इतनी बात अगर आपको समझ में आ गया तो कॉमन नाउन का कोई भी मिस्टेक बना देंगे आप दो ही रूल से, हालांकि आता है और भी, लेकिन बना देंगे कुछ भी। क्यों? क्योंकि एग्जाम में जो आज तक का पैटर्न रहा है, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का, वो यही पैटर्न रहा है कि एग्जाम में सिर्फ क्या करता है कि जिस नाउन के साथ आर्टिकल आना चाहिए उसके साथ आर्टिकल आता ही नहीं है, लाता ही नहीं है। आप सोचते हैं कि हमको ए के जगह एन कर देगा, एन के जगह, ऐसा भी आता है क्वेश्चन, लेकिन वो अलग से क्वेश्चन आता है आर्टिकल फिल करने के लिए, वो क्वेश्चन अलग है। कॉमन एरर में जो है इस तरह से गलती बहुत कम आता है कि ए के जगह एन लगा दें, एन के जगह ए लगा दें। आर्टिकल से अलग क्वेश्चन पूछेगा वो अलग चीज है, वो बहुत सारे एग्जाम में आर्टिकल से अलग क्वेश्चन पूछते हैं, उसके लिए टेंशन नहीं है, वो तो जब आर्टिकल चैप्टर पढ़ेंगे तो अपने आप बन जाए। ग्रामर की बात हो रही है। और दूसरी गलती क्या करता है कि जिस नाउन में एस और यस लगना चाहिए उसमें लगाता ही नहीं है, जहां लगना चाहिए उसमें नहीं लगाएगा, जहां नहीं लगना चाहिए वहां लगा देगा। तो इतनी बात भी समझ में अगर आ गई कि कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन बिना आर्टिकल के या बिना एस और यस के नहीं हो सकता, तो कभी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, हमेशा जिंदगी सॉल्व रहेगी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब मैं एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछ लूं, इस दोनों रूल को मिलाकर जो पूछा गया वो क्वेश्चन पूछ लूं क्या, बताओ। अब किसी को यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो वो भी बताओगे, दोनों रूल समझने में अगर कहीं किसी को दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, बात समझ में नहीं आया तो वो भी बताओगे, किसी को अगर कोई किसी भी तरह की दिक्कत है तो वो भी बताओगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं क्या, यहां से जो ये दो रूल पढ़ा है इससे प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन पूछूं, बताओ। इस रूल से आया हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछूं क्या, पूछ लूं? जब पूछोगे, कहोगे पूछने के लिए, तभी पूछूंगा। इस रूल का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है वो पूछूं,
अभी तक किसी का जवाब नहीं आया। वैसे हम लोग कहते हैं खामोशी मतलब हाँ होता है। यस आ गया जवाब, यस एक जवाब आ गया, तो एक को मैं सबका ही जवाब मान लेता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या था। The lions are carnivores, A, B, C। और अगर कोई गलती नहीं है तो नो एरर, डी। ठंडे दिमाग से बताना, ज्यादा जल्दबाजी में नहीं, सोच समझ के, ठंडे दिमाग से। ए, ए में क्या गलती है ये भी बताना, ए में गलती क्या है, क्या गलती है ए में। जो भी जो बताएगा, कोई ए बताएगा, कोई बी बताएगा, कोई सी बताएगा, कोई नो एरर बताएगा, तो साथ साथ ये भी बताएगा कि भाई आपको गलती क्या नजर आ रही है। अगर ए ए में हमें गलती नजर आ रही है, ए में गलती है, तो वो गलती है क्या। ए में अगर कुछ गलती है तो वो गलती है क्या। बी में गलती है तो बी में क्या गलती है, और सी में गलती है तो वो गलती क्या है। ऐसे बताएंगे ना, क्योंकि ये एग्जाम तो है ना कि खाली टिक करके आ जाएंगे तो पता चलेगा। हमें तो पूरा एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए जवाब, ताकि मुझे पता चले कि हाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको बिल्कुल सही तरीके से आ रहा है समझ में। द नहीं होगा, फैंटास्टिक। लायंस, वेरी गुड, एकदम फैंटास्टिक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एकदम सही जवाब। इसमें बहुत सारे बच्चे तो सबसे पहले नो एरर करके आते थे, और आप खुद सोचिए ये रूल अगर मैंने नहीं पढ़ाया होता तो आप नो एरर करके आते कि नहीं। और ये क्या कोई डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्या, ये आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें मैक्सिमम बच्चे जो थे, मैक्सिमम बच्चे वो नो एरर करके आए थे, मैक्सिमम। अगर 100 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो 99 बच्चे जो हैं वो नो एरर करके आए थे, और मुझे पक्का यकीन है और आपको भी यकीन है कि अगर आपके पास भी होगा ये क्वेश्चन तो आप भी नो एरर करके ही आते थे। अब दूसरी बात है इसमें कि अगर हम इस रूल को माने कि आर्टिकल, तो आर्टिकल से भी सारी बातें होती है, तो आर्टिकल वाले रूल को मानेंगे तो हम दो दो गलती हो जाएगी कि द लगाने से भी तो सबकी बात हो सकती है, लेकिन उसमें हमको नाउन भी सिंगुलर रखना पड़ता और वर्ब को भी क्या रखना पड़ता, सिंगुलर रखना पड़ता, तो लॉयंस को लॉयन करना पड़ता और आर को इज करना पड़ता अगर हम द को सही मानते। तो पहला रूल के हिसाब से अगर चलेंगे कि हम ऑल की बात करने के लिए आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमको नाउन को भी सिंगुलर रखना पड़ेगा, वर्ब को भी सिंगुलर, यही रूल बार बार बताया, तो लॉयंस को लॉयन करना पड़ता, आर को इज करना पड़ता, तो दो दो गलती हो जाती, तो पहला रूल हम इसमें अप्लाई ही नहीं करेंगे, दूसरा रूल अप्लाई करेंगे, आर्टिकल वाला रूल चलाएंगे नहीं, हम दूसरा रूल अप्लाई करेंगे। कि दूसरा रूल ये कहता है कि अगर हमको कोई ऐसी बात कही गई है सेंटेंस में कॉमन नाउन के विषय में जो सारे कॉमन नाउन पर एप्लीकेबल होता है, सारे कॉमन नाउन पर एप्लीकेबल होता है, तो फिर हमको नाउन को प्लूरल करके वर्ब को प्लूरल रखना चाहिए, नाउन को प्लूरल करके वर्ब को प्लूरल रखना चाहिए, यही रूल है। तो फिर हमने नाउन को प्लूरल कर दिया, वर्ब को प्लूरल कर दिया, तो ये फिर द नहीं होना चाहिए, तो द हट जाएगा, इसका मतलब ए में एरर था। ऐसा क्वेश्चन पूछता है, देखिए कितने प्यार प्यार से क्वेश्चन पूछता है, कितने आराम आराम से क्वेश्चन बना लेता है। तो बहुत अच्छा, सबका बिल्कुल सही जवाब था, इसका मतलब बिल्कुल टू द पॉइंट हम लोग सही समझ रहे हैं। अब नेक्स्ट रूल पढ़ने से पहले, यानी कॉमन नाउन का जो थर्ड गोल्डन रूल है उसे पढ़ने से पहले, थर्ड गोल्डन रूल से जो क्वेश्चन पूछता है वो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। ये प्रीवियस क्वेश्चन जो भी मैं पूछता हूं वो हमेशा प्रीवियस ईयर का होता है, चाहे आपको मैं एग्जाम्पल में पूछूं या पढ़ाने के बाद पूछूं, हमेशा प्रीवियस ईयर का होता है। ठीक है, तैयार हैं आप लोग, तैयार हैं, लीजिए क्वेश्चन। द इंडियंस आर genetically incapable of being good or out
स्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, और हमें लग रहा है कि नहीं भाई इसमें तो कोई गलती है ही नहीं, तो नो एरर, डी पार्ट। याद रखिए ये रूल पढ़ाने से मैं क्वेश्चन पहले पूछ रहा हूँ, ये रूल मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, ये कॉमन नाउन का ही क्वेश्चन, ये रूल मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि इस रूल के विषय में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है कि नहीं, और साथ साथ में आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो रूल मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उस रूल से क्वेश्चन कैसे आता है, क्या क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले तो आप ये सोचो कि क्या इस तरह का क्वेश्चन जो आपके सामने आता था तो आप ये समझ पाते थे कि ये कॉमन नाउन का क्वेश्चन है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या हमें समझ में आता था कि इस तरह का क्वेश्चन कॉमन नाउन का, क्वेश्चन की लंबाई वगैरह देख के तो हमें लगता होगा पता नहीं कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कहां से पूछ लिया है। कह रहा था कि जैसे ए लिखते हैं या बी लिखते हैं या सी लिखते हैं, तो उसमें साथ साथ अगर आप ये भी बता देंगे कि ए पार्ट में क्या गलती है, बी पर कौन सा वर्ड गलत है, ए पार्ट का कौन सा वर्ड गलत है या बी पार्ट का कौन सा वर्ड गलत है, या सी पार्ट में अगर आपको गलती लग रहा तो कौन सा वर्ड गलत है, तो अगर ये बता देंगे कौन सा वर्ड गलत है तो उससे और ज्यादा अच्छा रहेगा। खैर इसमें जो गलती है वो ना तो ए पार्ट में है ना बी पार्ट में है, इसमें गलती है ये वर्ड सी, और कैसे गलत है उसे समझो। मैं एक छोटा इसी को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, शॉर्ट फॉर्म अगर मैं ये लिखूं We are teacher, या मैं लिखूं I am teacher, तो ये दोनों सेंटेंस सही है क्या? अगर मैं कहूं We are teacher और I am teacher तो ये सही है क्या? तो I am teacher, T-A-C-H-E-R, I am teacher कहूं या We are teacher कहूं, आई एम टीचर कहूं तो भी और वी आर टीचर कहूं तो भी, दोनों दोनों ही सेंटेंस जो है, दोनों ही सेंटेंस गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। आई एम टीचर लिख रहे हैं, आपको हिंदी में कहने का मन था मैं शिक्षक हूं और आपने कह दिया आई एम टीचर, ये भी गलत है। आपको कहने का मन था कि मैं शिक्षक हूं, हम लोग शिक्षक है और हमने कह दिया वी आर टीचर, तो दोनों सेंटेंस गलत है। तो यहां बात हो रही थी इंडियंस की, क्या लिख रखा है इंडियंस की, क्या रहा कि इंडियंस आर जेनेटिकली कैपेबल ऑफ बीइंग गुड और आउटस्टैंडिंग, कि भारत के जो लोग होते हैं, भारत के जो लोग होते हैं वो जेनेटिकली यानी हमारे जीन में ही नहीं है, हमारा डीएनए ही ऐसा नहीं है कि हम अच्छे खिलाड़ी बने, यानी हम लोग खेलने का सोचते हैं, हमको युगो युगों से हमें यही कहा गया, सब वर्ष शताब्दियों से हमें यही कहा गया कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, तो खेलने कूदने के लिए हमने कभी सोचा ही नहीं। हालांकि अभी चेंज हो रही है बात, तो सैकड़ों साल जब इस तरह की बात चलेगी तब हम लोग अच्छे स्पोर्ट्समैन जेनेटिकली हो पाएंगे, क्योंकि हमारे अभी जीन में ये बात समाया हुआ नहीं है। तो यहां जो स्पोर्ट्समैन है ये तो काउंटेबल नाउन है ना, कॉमन नाउन है, और अभी आपको मैंने बताया था छोटी सी बात कि अगर कोई काउंटेबल नाउन है तो उसके साथ या तो आर्टिकल आना चाहिए। अगर मान लो ये स्पोर्ट्समैन है तो इसको पहले कहां है आर्टिकल, देखो ये तो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या, बेहतरीन, और का मतलब क्या हुआ, गुड, और का मतलब या गुड मतलब अच्छा, तो स्पोर्ट्समैन काउंटेबल नाउन है तो इसके पहले कोई तो आर्टिकल आना चाहिए, कहीं आर्टिकल आया क्या, ये आर्टिकल तो नहीं है, और भी आर्टिकल नहीं है, गुड भी आर्टिकल नहीं है। अगर हम लिख देते हैं ही इज गुड बॉय तो ये सही थोड़ी हो जाएगा, ही इज गुड बॉय लिख देंगे तो ये सही थोड़ी हो जाएगा, नहीं होगा ना सही, नहीं होगा ना सही, कि बॉय के सामने हम गुड लिख दिया तो थोड़ी सही हो जाएगा, हमें तो इसके पहले ये भी लगाना पड़ेगा। इसी तरह से ये स्पोर्ट्समैन था, इसके पहले या तो कोई आर्टिकल होना चाहिए था या फिर इसको क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए था, जैसे हम लिख रहे हैं वी आर टीचर तो एक से अधिक के लिए हुआ, यहाँ क्या होना चाहिए था, टीचर्स होना चाहिए था। खाली हम अपने विषय में बात कर रहे हैं तो यहाँ क्या होना चाहिए, आई एम ए टीचर होना चाहिए था। तो यहाँ जो स्पोर्ट्समैन का इस्तेमाल किया गया है ये तो इंडियंस यानी सारे भारतीयों के लिए किया गया। अब सारे भारतीयों के लिए अगर हम किया गया है तो ये सिंगुलर कैसे होगा, एम ए एन मैन कैसे होगा, जैसे यार टीचर वी के लिए इस्तेमाल किया टीचर में एस लगाया, इसी तरह से ये जो स्पोर्ट्समैन का इस्तेमाल किया गया एक भारतीयों के लिए नहीं किया गया, सभी भारतीयों के लिए किया गया है,
इसलिए स्पोर्ट्समैन का स्पेलिंग क्या होना चाहिए था, और मैंने आपको यही अभी समझाया था, यही MEN होना चाहिए था, स्पोर्ट्समैन ME, और यही मैंने आपको समझाया था कि कॉमन नाउन या तो सेंटेंस के शुरू में दे देगा, कॉमन नाउन या तो सेंटेंस के शुरू में दे देगा या बीच में दे देगा या सेंटेंस के आखिर में दे देगा, और ना तो उसके साथ AN का इस्तेमाल करेगा और ना ही उसके साथ S और ES का इस्तेमाल करेगा। इतना और हम मैंने कहा था कि अगर इतनी बात आप ध्यान रख लेंगे तो कहीं भी सेंटेंस बना देंगे। तो नेक्स्ट रूल जो है ये क्लियर हो गया, इसमें डाउट है, इस रूल ये रूल आपको क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया कि ये क्या कहना चाह रहा था। इस रूल को अगर हम लिखें, थर्ड गोल्डन रूल को लिखें, थर्ड गोल्डन रूल होगा क्या, इट इज नेसेसरी टू राइट, इट इज नेसेसरी टू राइट या यूज, इट इज नेसेसरी टू राइट या यूज, यूज ज्यादा अच्छा वर्ड होगा, यूज ए और एन इफ अ कॉमन नाउन इज यूज्ड फॉर वन, इफ अ कॉमन नाउन इज यूज्ड फॉर वन, इट इज नेसेसरी टू यूज ए और एन इफ अ कॉमन नाउन इज यूज्ड फॉर वन। इसका क्या मतलब हुआ कि किसी कॉमन नाउन का इस्तेमाल अगर एक के लिए किया है तो उसके साथ कंपलसरी है कि ए और एन लगाएं। इट इज नेसेसरी टू यूज ए और एन इफ अ कॉमन नाउन इज यूज्ड फॉर वन, कोई भी कॉमन नाउन मतलब सिर्फ एक के लिए इस्तेमाल हुआ, एक के लिए। तो आप पहले ध्यान रखिए कि जो भी कॉमन नाउन का इस्तेमाल हुआ है वो एक के लिए कि एक से अधिक के लिए, अगर एक के लिए है तो ए और एन लगाना कंपलसरी है, छोड़ दिया तो कहानी खत्म, छोड़ दिया तो कहानी खत्म, ए एन लगाया नहीं कहानी खत्म। आपको कहना है यह पंखा है, आपको कहना है यह पंखा है, और इंग्लिश बना दिया दिस इज फैन, सत्यानाश सत्यानाश। आपको कहना था कि मैं लड़का हूं और आपने इंग्लिश बना दिया आई एम बॉय, संपूर्ण सत्यानाश, एकदम बर्बाद, एकदम बर्बाद, ऐसा नहीं हो सकता। यह सेंटेंस से क्लियर है कि दिस का इस्तेमाल से क्लियर है कि पंखा क्या है, एक के लिए इस्तेमाल हुआ। तो हिंदी में ये कहे या ना कहे कि यह एक पंखा है, हिंदी में सिर्फ इतना ही कह रहा है यह पंखा है, हिंदी में कोई नहीं कहेगा यह एक पंखा है, कोई नहीं कहेगा, हिंदी में सिर्फ कहेगा यह पंखा है, यह कुर्सी है, वह आदमी है, वह लड़का है, इतना ही कहे, एक नहीं लगा के बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन जब इंग्लिश में आपको बोलना है तो अगर पंखा एक है, बॉय एक है, गर्ल एक है, मैन एक है, वोमेन एक है, तो उसके पहले ए या एन लगाना पड़ेगा। अगर कॉन्सोनेंट वाला लेट वर्ड है तो ए लगेगा, और वॉल वाला वर्ड है तो एन लगेगा। जैसे एप्पल है तो क्या लग जाएगा एन, और बुक है तो क्या है ए लग जाएगा, वॉल कॉन्सोनेंट का ध्यान रखना लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा ए फैन, क्या हो जाएगा ए फैन, और आई एम क्या हो जाएगा ए बॉय। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। तो ये करना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है। तो कोई भी कॉमन नाउन अगर एक के लिए आएगा, एक के लिए आएगा तो ए एन लगाना पड़ेगा। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा कि कोई भी कॉमन नाउन अगर सेंटेंस में आया है तो वो संपूर्ण जाति के लिए आया है तो उसके लिए दो अलग अलग ग्रामर है, अगर संपूर्ण जाति के लिए नहीं, अगर किसी एक के लिए आया है तो उसके लिए एक ग्रामर होगा। अब चौथा कंडीशन ये बचेगा कि चलो पूरी जाति के लिए ना आए, एक के लिए ना आए, एक से अधिक के लिए आए, यानी एक से अधिक के लिए आए लेकिन पूरी जाति के लिए ना आए, एक से अधिक के लिए आए लेकिन पूरी जाति के लिए नहीं आए, तब ग्रामर क्या होगा। ये कंडीशन अभी पढ़ना बाकी है, इस कंडीशन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और इस रूल से अब ये थ्री गोल्डन रूल्स मैंने पढ़ा दिया, दो गोल्डन रूल्स और बाकी, यानी कल आपका कॉमन नाउन भी खत्म हो जाएगा, और मुझे लग रहा है कल कॉमन नाउन खत्म होगी, कल तीसरा नाउन भी हमारा शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी जो दो रूल, अगले वाले दो रूल जो है वो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक का तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, दूसरा आसानी से समझ। तो कल हमारा कॉमन नाउन भी खत्म हो जाएगा, लेकिन तीन क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा। थ्री जो क्वेश्चन मैं आते पूछता हूँ उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन पूछूंगा, प्रॉपर नाउन का क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, किसी भी थी। अब चैप्टर तो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, टॉपिक तो बढ़ता रहेगा, तो सारे टॉपिक पढ़ के आना है, मैं क्वेश्चन कहीं से पूछ सकता हूँ। तो ये नहीं कि कॉमन नाउन पढ़ा तो कॉमन नाउन का ही क्वेश्चन पूछे, उससे पहले जितने भी क्वेश्चन, तो किसी से भी तीन क्वेश्चन हो सकते हैं। तैयार रहिएगा, कल मिलते हैं।